अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर इंजीनियर ताह शाहिद। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.3। एग्जांपल नंबर वन, फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। हमें ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है फंक्शन की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, मतलब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सही है। अब ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास कैसे आता है कि अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के अंदर अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें तो उसको हम ऑप्टिमल वैल्यू या फिर मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर? रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है ना वो लाजमी तौर पर लाए करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर आप 9.1 के अंदर चले जाएं तो 9.1 के अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ फर्स्ट जो है ना क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन लाए कर रहा था। वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मुख्तलिफ जगहों पर लाए कर रहा था। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सिर्फ हमें फ़र्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन देखना है तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। सही है। फिजिबल सॉल्यूशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेसिकली जो आती है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाती है। तो बेटा अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो लीनियर इक्वालिटीज दी हुई हैं इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे और हमें इनका रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, सही है। हमें यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होंगे इनके ग्राफ के ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकें इस फंक्शन की। सही है। तो बेटा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंस्ट्रेंट नंबर वन है, जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, कंसीडर द कंस्ट्रेंट एज एन इक्वेशन सच दैट। बेटा करेंगे क्या, सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट है, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। हम इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि एक्स इज़ इक्वल टू 6। तो एक्स इज़ इक्वल्स टू 6 हमने कंसीडर कर लिया। सही है। फिर हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे ड्रॉ the line for x is equals to 6। अब बेटा x is equals to 6 का मतलब इसमें y नहीं है, y नहीं है तो इसका मतलब है कि y क्या होगा, 0 होगा। अगर इक्वेशन में x और y दोनों होता है तो इसका मतलब है कि हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर y है ही नहीं तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। देयरफॉर लाइन लाइन इज पासिंग थ्रू 6,0। इसका मतलब है लाइन जो है वो 6,0 से पास कर रही है। सही है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स इज इक्वल टू 6 की। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर ओपन कर लिया। बेटा मैंने यहाँ पर टू स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लिखा हुआ है। अब आप अपने ग्राफ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यूज 5 स्मॉल बॉक्सेस पे भी आ रही हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है। अच्छा, पॉइंट है पहला 6,0। 6,0 का मतलब है कि जो लाइन है ये, इसका पॉइंट आपके पास ये आएगा 6,0। बेटा लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है,
बेटा एक बात याद रखो कि जब भी लाइन की इक्वेशन में एक्स होगा तो इसका मतलब है कि वाई ज़ीरो है, और जब भी लाइन की इक्वेशन में खाली एक्स होगा वाई नहीं होगा तो हम कहेंगे लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि लाइन जब वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तभी उसके अंदर वाई वाली वैल्यू नहीं होती। तो हम यहाँ पर हमें इसको याद रखते हुए पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन बनानी पड़ेगी, एक ऐसी लाइन जो कि इससे पास करे। ठीक है, तो ये इससे पास करे तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी किसकी, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हम आगे यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे कि लाइन इज पासिंग थ्रू 6 कॉमा एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहली इक्वेशन, पहली इनइक्वालिटी को लिया, पहली कंस्ट्रेंट कहा इसको, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी इनइक्वालिटी ये रही, तो कंस्ट्रेंट नंबर टू, कंस्ट्रेंट इसलिए कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन को कहा जाता है कंस्ट्रेंट बेसिकली। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि भाई ये लाइन जो हम प्लॉट करेंगे वो बेसिकली उन पॉइंट्स ही पास कर रही होगी, एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स ही पास कर रही होगी जो हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, कंसीडर द कंस्ट्रेंट, जैसे आपने 9.1 में करा था इक्वेशन ले लेंगे एज एन इक्वेशन सच दैट टू एक्स प्लस 3 वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 19। लेस देन इक्वल्स टू की जगह पे हमारे पास इक्वल्स टू की साइन आ जाएगी। तो बेटा अब हमें इस लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा जैसे हम पहले निकालते थे। ठीक है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट वाई इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया 2x प्लस 3y की जगह 0 आ गया इज इक्वल्स टू 19। तो 2x इज इक्वल्स टू 19, x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 19 अपॉन 2 आ गई, तो हम कहेंगे देयरफॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, एंड एक्स एक्सिस इज 19 अपॉन 2 कॉमा 0। फिर उसके बाद हम निकालेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट वी पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पर ये आ गया 2x की जगह 0 आ गया, 3y इज इक्वल्स टू 19, 3y इज इक्वल्स टू 19, y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड वाई एक्सिस इज 0,19 अपॉन 3। तो हमें अब यहाँ पर इसको प्लॉट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसे।
ओरिजिन भी चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। फॉर ओरिजिन इसको हम कंस्ट्रेंट ए कह देते हैं, इसके कंस्ट्रेंट नंबर टू लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। फॉर ओरिजिन वी पुट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन द सेकेंड कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे मतलब सेकेंड इनइक्वालिटी में एक्स की जगह ज़ीरो आ गया, वाई की जगह भी ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है ज़ीरो इज़ लेस देन 19, लेस देन इक्वल्स टू 19 मतलब ज़ीरो 19 से छोटा है, ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर ज़ीरो इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट टू। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे, एक पॉइंट 19/2,0, दूसरा है 19/0,19/3। तो एक पॉइंट है 19/2,0, दूसरा पॉइंट है 0,19/3। तो 19/2 का मतलब है 9.5,0। तो 9.5 कहाँ आएगा, x का 9.5, y का 0, 9.5 आएगा 9 और 10 के दरमियान में, तो ये 19/2,0 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, नाइनटीन डिवाइडेड बाई थ्री, तो 6.3। तो ये हमारे पास आ रहा है 0,6.33। तो x 0 है, y जो है वो ये है, तो y एक्सिस पे 6.33, 6 और 7 के यहाँ पर हम एक अंदाजे से मार्क कर लेंगे, तो ये पॉइंट होगा 0,19/3। तो बेटा अब जो लाइन बनेगी वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। अब हम आखिरी कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, अब हम आखिरी कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, कंस्ट्रेंट नंबर थ्री। तो कंस्ट्रेंट नंबर थ्री के लिए अब हमें क्या करना है भाई, कंसीडर द कंस्ट्रेंट एज एन इक्वेशन सच दैट, तो हमारे पास जो आखिरी इक्वेशन मतलब इन इक्वालिटी है वो है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 8, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 ले लेंगे हम, उसको इक्वल्स टू के साइन लगाएंगे। फिर हम बात करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, वी पुट y is equals to 0 in equation 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम रखेंगे y की जगह 0, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो इसका मतलब therefore the intersection point of line and x axis एस 8,0। फिर उसके बाद फॉर वाई इंटरसेप्ट वी पुट
x is equals to 0 in equation 2. तो इक्वेशन 2 में हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी. तो हम यहाँ पर कह देंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड y एक्सिस इज 0.8. फॉर ओरिजिन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन द थर्ड कंस्ट्रेंट. तो ये आएगा x प्लस y इज लेस देन 8, लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 0 इज लेस देन 8 हो जाएगा. देयरफॉर ओरिजिन इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट नंबर 3. ठीक है, अब 0.8 और 8.0 को ही प्लॉट करना है. तो एक पॉइंट है 0.8, 6.0 मैं यहाँ लिख देता हूँ. 0.8 एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 8.0 यहाँ आ जाएगा. अच्छा एक मिनट, एक गलती हुई थी. पिछली जो लाइन बनाई है वो उसका ये पॉइंट था 19.2, मतलब 19/2.0. अच्छा अब जो लाइन बनेगी वो इससे पास करेगी. अब इसके बाद हमें इसके निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो सबका जो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है वो तो ये है जहाँ पे सारी लाइंस का सॉल्यूशन लाई करेगा, वो ये जगह है. लेकिन हमें सॉल्यूशन वैसे आप मार्क करना चाहें तो कर दें, नहीं करना हमें वैसे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं इनके. अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे हमें ये सारे बताने हैं. हमने ये क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इसका फीजिबल रीजन है. फीजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो कि जैसे सारे सॉल्यूशंस लाई कर रहे हों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पूरा हमारा फीजिबल रीजन कहलाएगा. तो फीजिबल रीजन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. हम चाहें तो इन पॉइंट्स को वैसे नाम दे देंगे, एक को ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी पॉइंट कह देते हैं, इसको ओ कहा है तो सही है ओ रहने देते हैं इसे, इसको ए पॉइंट कह देंगे, ये पॉइंट बी कहलाएगा. इसके बाद यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ये पॉइंट सी कहलाएगा और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये डी पॉइंट कहलाएगा. ओ ए बी सी डी, बेसिकली ये इसका फीजिबल रीजन है. तो हमें क्या करना है, अब आइडेंटिफाई द फीजिबल रीजन
the intersection of three linear inequalities is the required feasible region OABCD which is shaded area in the graph. ठीक है, फिर उसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए. कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने हैं. उसके बाद द सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ओ ए बी सी डी आर. तो सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं हमें ये देखने हैं. एक तो ये कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा 0,0, सही है, जिसको हम ओ कह रहे हैं. दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये ए कहलाएगा, ये वाला पॉइंट जो कि आपके पास क्या है 6,0. तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या है, सही है. उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास वो ये पॉइंट है. ये अगर आप देखें तो यहाँ से आ रहे हैं तो ये आ रहा है 2, मतलब ये हाइट है इसकी 2 और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 6 है. तो ये जो पॉइंट बन रहा है अभी ये बन रहा है 6,2. सही है, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा, ये आपको ग्राफ पेपर में ही देखना पड़ेगा. तो हमारे पास बी पॉइंट बनेगा 6,2. सी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये आएगा 3 के पास और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आ रहा है 5 के पास, आपके पास आ रहा होगा. तो ये सी पॉइंट होगा 5, इसका ये हॉरिजॉन्टल है 5, एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 3 है. तो ये 5,3 हो जाएगा पॉइंट. तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट सी होगा 5,3 और आखिरी कॉर्नर पॉइंट आपके पास है ये वाला 0,19/3, क्योंकि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो टोटल यहाँ से शुरू हो रहे हैं. कॉर्नर पॉइंट्स किसको कहते हैं, बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कहते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सही है, तो आपके पास जो टोटल कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो एक ये बन रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है इसका इस सॉल्यूशन के अंदर और एक ये बन रहा है. कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम फिर निकालेंगे कि मैक्सिमम, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है. ठीक है, अब करना क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चेक करना है किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम रिजल्ट आ रहा है. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स,
फिर उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। दोबारा से लिख लेते हैं, कोई मसला है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस सवाल में गिवन है 5x + 7y। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f 0,0, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू, मतलब आप क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई बराबर है 5x + 7y के। तो 5x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो रिज़ल्ट 0 आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड कॉर्नर पॉइंट रखेंगे जो कि a पॉइंट है 6,0, तो ये होगा f 6,0, 5x की जगह 6 आया, y की जगह 0 आ गया, 5 6 30 प्लस 0 तो 30 आ गया। फिर बी पॉइंट रखेंगे जो कि है 6,2, तो 6,2 5 6 + 7 2 तो 30 + 14 तो यह आ जाएगा 44। फिर उसके बाद सी पॉइंट है 5,3, तो एफ ऑफ 5,3 आएगा 5, एक्स की जगह 5 आएगा, y की जगह 3 आ जाएगा, तो यह आएगा 25 + 21 तो यह आएगा 46। और d पॉइंट है हमारे पास 0,19/3, तो f 0,19/3 इज इक्वल्स टू 5x की जगह 0, 7 19/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 44.31। तो जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे आ रही है हमारे पास, जो मैक्सिमम आंसर है 46 आ रहा है इस पे, ठीक है। तो 46 इस पे मैक्सिमम आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम द अबव टेबल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 46 एट 5,3, देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 46 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे फिर कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन सही भी है या नहीं है। तो
Now we have to verify the point जिस पे ऑप्टिमल फंक्शन आया 5.3. ठीक है, पहली जो कंस्ट्रेंट है मतलब x की जगह ये है और y की जगह ये है. फर्स्ट कंस्ट्रेंट x is less than equals to 6 becomes, बेटा इस x की जगह रख दिया 5 is less than 6 which is true. फिर उसके बाद सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, मतलब इनइक्वालिटी है 2x plus 3y is less than equals to 19 becomes, तो ये आ गया 2, x की जगह 5 रखा, 3 y की जगह 3 रख दिया, is less than equals to 19, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 plus 9 less than equals to 19, मतलब ये आ गया 19 is less than equals to 19, मतलब true हो गया, is true. थर्ड पे भी चेक कर लेंगे. थर्ड कंस्ट्रेंट है x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 8 बिकम्स 5 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8. 5 प्लस 3 मतलब 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, मतलब विच इज ट्रू. तो ये हो गया कि ऑल ऑल द कंस्ट्रेंट्स are satisfied by the optimal solution.